देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री महामंत्र, जिसको के भारतीय धर्म और संस्कृति का प्राण कहना चाहिए, कितना बड़ा मंत्र। पुराने समय में हम इसकी महत्ता जानते थे और समझते थे, तब ये हथियार, ये हमारा भंडार दोनों ऐसे थे कि जिसको पाकर के हम जगतगुरु बने, चक्रवर्ती शासक बने, स्वर्ण संपदाओं के स्वामी बने। ये एक ही हथियार हमारे पास ऐसा था कि जिससे हमने अपनी सारी संकटों और मुसीबतों और विपत्तियों को दूर कर लिया। न केवल संकटों को दूर कर लिया बल्कि संपदा बढ़ाने में और अपना वैभव और गौरव बढ़ाने में भी सफलता पाई। ऐसा है ये गायत्री मंत्र जिसके लिए हमने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। 15 वर्ष की उम्र से लेकर के आज 76 वर्ष तक, 61 वर्ष हो जाते हैं, हम इसी का अन्वेषण करते रहे, खोज करते रहे, अभ्यास करते रहे, प्रयोग करते रहे, दूसरों पर इसका परीक्षण करते रहे और हमारी लंबी ज़िंदगी इसी में बीत गई। इसको वेद माता कहते हैं, ये ज्ञान की भंडार है। ज्ञान जो जिसको कि आदमी को आध्यात्मिक ज्ञान कहना चाहिए, वो इसी भंडार में भरा हुआ है। कालिदास उद्यंत हुए पर ज्ञान के धनी नहीं थे। ज्ञान के धनी जो हों वो जिसकी कृपा से, उसको हमारे यहाँ वेद माता कहा गया है, देव माता। मनुष्य को मनुष्य न रहने देकर देवताओं के समान जो बना देती है, जिसका स्वभाव, जिसका चरित्र, जिसका गुण, जिसका व्यवहार देवताओं जैसा हो जाता है जिस माँ का दूध पीने के बाद में, उसका नाम गायत्री है, वेद माता, देव माता और विश्वमान। ये अकेले हिंदुओं की नहीं है, इसमें सारे के सारे विश्व के जितने भी जातियां हैं, धर्म हैं, समाज हैं, संस्कृतियां हैं, सब इसी की के अंचल के नीचे छिपी हुई हैं। ऐसी है ये गायत्री मंत्र, जिसकी महत्ता कहना मेरे लिए संभव नहीं है। ब्रह्मा जी ने 4 मुखों से 4 वेदों में इस गायत्री का व्याख्यान किया, लेकिन वो समग्र न हो सका, इसलिए फिर अन्य ग्रंथ लिखे गए, उपनिषदें लिखी गई, दर्शन लिखे गए, आरण्यक लिखे गए, ब्राह्मण लिखे गए, 18 पुराण लिखे गए, ये सब कुछ लिखे गए, लेकिन गायत्री का उद्देश्य पूरा न हो सका, उसकी व्याख्या पूरी न की जा सकी। फिर व्यक्तियों ने की, देवताओं ने गायत्री की व्याख्या की पर वो न कर सके। 24 ऋषियों ने गायत्री की उपासना की व्याख्या की पर वो न कर सके। 24 महाशक्तियाँ हैं गायत्री की, 24 अक्षर गायत्री के, 24 देवता, 24 देवियाँ, ये भी अपूर्ण ही रह गए। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे, वो भी 24 गायत्री के अक्षर ही थे। ये महामहिमा से भरी हुई गायत्री है जिसका कि आज आप जन्मदिन मना रहे हैं। जब ऐसी महिमा भरी है तब उससे सब लोग क्यों नहीं लाभ उठा पाते, आपने क्यों नहीं लाभ उठा पाया? आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं लेकिन लाभ क्यों नहीं उठा पाते? इसलिए नहीं उठा पाते कि इसके साथ में 3 विधियाँ जुड़ी हुई हैं, 3 कवच, कीलक और अर्गल जुड़े हुए हैं। इनको तीनों को मिला देते हैं तब आपकी बात पूरी हो जाती है, जब आप मिलाते नहीं हैं तो बात अधूरी हो जाती है। क्या 3 बातें? उपासना 1, साधना 2, आराधना 3। उपासना क्या किसे कहते हैं? उपासना उसे कहते हैं जिसमें कि भगवान के प्रति कि आदमी अपने आप को समर्पण करता है, समीप बैठता है। भगवान आपने देखा नहीं है तो भगवान का प्रतीक एक और है जिसको हम गुरु कहते हैं, गुरु मंत्र है ये गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र किताब में से अगर आपने पढ़ लिया है, याद कर लिया है और उसको बोलने लगे हैं, जप करने लगे हैं, तो वो लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। दीपक को जलाने के लिए माचिस की आवश्यकता होती है। माचिस अगर आपके पास नहीं है तो दीपक में घी भरा हुआ हो 1, दीपक में रुई भरी हुई हो 2, का ये सब हो तो तभी आप वो लाभ नहीं उठा पाएंगे जो को उठाना चाहिए। माचिस से या कहीं से भी, मोमबत्ती से
आग से उस दीपक को प्रज्वलित करना पड़ेगा। ये आग क्या है? ये गुरु मंत्र गायत्री है। ऐसा गुरु होना चाहिए जो क्या है अपने समान बना ले। आग में लकड़ी जब डाल दी जाती है, ईंधन डाला जाता है, तो अपने समान बना लेता है। हमारे गुरु ने हमको समीप अपने समान बना लिया, अपने समान बना करके छोड़ा। आप क्यों नहीं बने? आपका कोई भी गुरु नहीं है। गुरु तो आप हमारे हैं, हम आपके गुरु हैं। अच्छा, तो आप हमारा क्या ना माने? नहीं, आप हम कहना तो नहीं मानेंगे, पर गुरु हैं, हमने गुरु दीक्षा ली है। बेटा, फिर मखौल क्यों करते हो? ये मखौलबाजी है, जिंदगीबाजी है। हमने अपने गुरु बनाए और गुरु बनाने के बाद में अपना समर्पण कर दिया उनके लिए। उन्होंने हमने कहा ये शरीर आपका है, हमने कहा ये मन आपका है, हमने कहा ये बुद्धि आपकी है, हमने कहा ये वाणी आपकी है। सारी चीज़ें जब उनके सुपुर्द कर दी गई तो उन्होंने फिर ये कहा कि अच्छा, तो हमारा जो तप है, हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो शक्ति है, हमारा जो संरक्षण है, ये सब तेरे ऊपर है, तेरे लिए है। ठीक ही है, उन्होंने ठीक कहा है। इसकी परीक्षा भी हम करते रहे हमेशा। बड़े से बड़े काम उन्होंने हमें सौंपे और उन बड़े से बड़े कामों को पूरा करके हमने दिखा दिया। कैसे दिखा दिया? हमने दिखाया नहीं, वास्तव में परोक्ष रूप से जो सत्ता काम कर रही थी, उस परोक्ष सत्ता ने ये काम किया। हमारा काम नहीं है। हमारा तो काम ये था कि एक मशीन की तरीके से चलते रहे, लेकिन मशीन के पीछे जो बिजली लगी होती है, पावर लगी होती है, जिसके द्वारा मशीन चलती है, वो हमारे मास्टर की है, जिसको हम अपना गुरु कहते हैं। गुरु सब बदनाम हो गया है, इसीलिए हमने मास्टर कहना शुरू किया है। वो मास्टर है, हमारा अध्यापक है, मार्गदर्शक है, और इसीलिए मार्गदर्शक है कि हम उसके साथ साथ चलते हैं, उसकी हुक्म को, उसकी आज्ञा को पालन करते हैं। इसीलिए ये गायत्री ने जो उसकी शक्ति थी, जो इसके चमत्कार थे, हमने देखे हैं और लोगों को दिखाए हैं। हमारे जीवन में क्या क्या काम हुआ है, ये इसका ब्यौरा आपको मालूम है और मालूम होना चाहिए। सारा ब्यौरा मालूम है? सारा ब्यौरा नहीं मालूम है, आपको थोड़ा सा मालूम है, थोड़ा सा ही काफ़ी है, उससे आपको संतोष हो जाना चाहिए। गायत्री शक्तिशाली है। बाकी रह गया है, बाकी भी रह गया है, बाकी जो रह गया है उसको आप सुनेंगे तब, तो आपको जानकारी तब मिलेगी जब दुनिया में हम नहीं होंगे। अभी तो आप ये भी कह सकते हैं कि अपनी सेखी मारने के लिए, प्रशंसा करने के लिए, लोगों को के सामने अपना बड़प्पन दिखाने के लिए बात कर रहे हैं। इसीलिए जो बातें आपको मालूम है, जो आप जानते हैं, जो आपने जान ली है, जिनकी परीक्षा कर ली है, वही बातें काफ़ी हैं इस बात के लिए। गायत्री मंत्र शक्तिशाली है, और ये बात भी आपको जानकारी में रहनी चाहिए कि न केवल शक्तिशाली है बल्कि ये चमत्कारी भी है। न केवल चमत्कारी भी है बल्कि मनुष्य को देवता बनाने वाला भी है। ये बड़ा सामर्थ्यवान मंत्र है गायत्री, जिसकी कि आज जन्म जयंती मनाने के लिए आप आए। फिर अब इससे आगे क्या करना चाहिए? इससे आगे एक काम करना चाहिए आपको कि हमारी कुछ इच्छा है, हमारे गुरु की भी कुछ इच्छा थी। जब हमारे घर आए थे, कोठरी में आए थे, तब उन्होंने ये कहा था, हमारी कुछ इच्छा है कि गायत्री मंत्र के बारे में जो अविश्वास है वो अविश्वास दूर हो जाए, इसलिए एक नमूना हम पेश करना चाहते हैं। तो ये हम इस तरह का व्यक्ति बनाना चाहते हैं जिसको देख करके अविश्वास दूर हो जाए लोगों का कि गायत्री में कोई शक्ति है कि नहीं। हमारा भी मन ऐसा ही है, जो आप लोग यहाँ आए हुए हैं या जो हमारी वाणी सुन रहे हैं या जो हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, उनके सामने एक निवेदन है। हमने एक संकल्प लिया है और उस संकल्प में आप भी शामिल हो जाए। हमारा गुरु गुरु के संकल्प में हम शामिल हैं। उसने ये संकल्प लिया था विश्वामित्र की तरीके से कि हम नया जमाना लाएंगे, नया युग लाएंगे, और हमसे कहा था कि आप भी इसमें शामिल हो जाइए। नहीं कहा हम जरूर होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो आपका संकल्प है उसमें हम भागीदार ना हों। भागीदार होंगे, आप बताते जाइए क्या करना चाहिए, वही हम करेंगे और ज़रूर करेंगे। वही हमने किया और ज़रूर किया, निश्चित रूप से किया, संकल्प पूर्वक किया, ईमानदारी के साथ किया। अब आज गायत्री जयंती के दिन आपके सामने भी थोड़े से निवेदन करने हैं। 5 संकल्प अगर आप कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये तो आप काम से लगा रहे हैं, फिर हमें मजूरी क्या मिलेगी? हाँ, ये भूल गया, आपको मजूरी क्या मिलेगी?
नेता बनाने का काम मन है मेरा। नेतृत्व करने वाले लोग दुनिया में आज दिखाई नहीं पड़ते। लोग हिंदुस्तान की आबादी 70 करोड़ इस समय है और सन 2021वीं सदी जहाँ से प्रारंभ होगी वहाँ तक, 20वीं सदी जहाँ खत्म होगी वहाँ तक 1 करोड़ आदमी होंगे यहाँ इस हिंदुस्तान में। नहीं, ये जो है 100 करोड़ आदमी होंगे हिंदुस्तान में। 100 करोड़, 70 करोड़ अभी है और 30 करोड़ अभी और 14 वर्ष में बढ़ेंगे लगभग। तो थोड़ा बहुत ही आप फर्क समझिए, 100 करोड़ आदमियों की आबादी इसमें होगी, 100 करोड़ आदमियों का नेतृत्व करने के लिए। और संसार में कितनी आबादी होगी? संसार में बहुत बड़ी आबादी होगी। संसार में अभी तो 500 करोड़ आबादी है, लेकिन ये 1000 करोड़ से कम नहीं बैठेगी जब तक कि ये न्याय योग आएगा, जब तक हम काम करेंगे। आप तो बुढ़े हो गए। अरे बुढ़े हो गए तो कि काम नहीं करेंगे कोई? तो आप मर जाएंगे तो हम काम नहीं करेंगे? मरने का मतलब यही होता है, काम नहीं करेंगे। अभी हमको 14 वर्ष बराबर काम करना है, 14 वर्ष तक एक दिन भी छुट्टी नहीं लेनी है हमको। मर जाए तो क्या, जिंदा रहे तो क्या, मर जाएंगे तो हम 5 शरीरों से काम करेंगे, जिंदा रहते हैं तो 1 शरीर से काम करते हैं। दोनों में कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोनों में हमारी काम और जिम्मेदारियाँ बराबर जारी रहेंगी। फिर आपको जो मजूरी मिलने वाली है वो मजूरी आप एक ही मिलेगी कि आपको नेता बनाना चाहते हैं। कैसे नेता बनाना चाहते हैं कि 100 करोड़ की आबादी वाला हिंदुस्तान कम से कम इतना तो लक्ष्य हमारे पास रहना चाहिए। 1000 करोड़ आबादी वाला सारा विश्व आपकी निगाह में न हो तो फिर न भी सही। वहाँ के लिए हम कोई और आदमी भेजेंगे। एक आदमी भेजा भी था हमने, वो सही साबित नहीं हुआ। अब और भेजेंगे, अभी और आदमी है हमारे पास। एक ही आदमी था हमारे, नहीं एक आदमी नहीं था, बहुत आदमी हमारे पास हैं। फिर हम भेजेंगे, दूसरी जगह भेजेंगे, सारे संसार का भी ध्यान रखेंगे, लेकिन कम से कम भारतवर्ष का तो रखना ही रखना है। भारतवर्ष में अगले दिनों बड़ी बड़ी क्रांतियाँ खड़ी होंगी और उनका किसी को नेतृत्व करना चाहिए। कि क्या क्या क्रांतियाँ खड़ी होंगी? राजनीतिक क्रांति के लिए मैं नहीं कहता, राजनीतिक क्रांति में प्रजातंत्र का ढांचा तो यही रहेगा, पर व्यक्ति ऐसे आएंगे जिनके के बारे में आपको शिकायत न करनी पड़ेगी। आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि अगर गांधी जी रहे होते तो हिंदुस्तान का ये हाल क्यों होता। आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि जवाहरलाल हिंदुस्तान में रहे होते तो ये हालत क्यों होती। आपको ये नहीं कहना पड़ेगा आपको सरदार पटेल होते तो आज हमारे देश की हालत क्यों होती, ये नहीं कहना पड़ेगा। ये राजनीतिक भी ढांचा हमारा ऐसा बनेगा, ऐसा सुंदर बनेगा कि जिसको देख कर के दुनिया ये कहे कि ऐसा ढांचा तो कहीं भी नहीं है, कि किसी भी देश में नहीं है। और क्या करना है? सारी की सारी कमजोरियाँ हमारी सामाजिक है। हम 2000 वर्ष तक गुलाम रहे। 2000 वर्ष गुलाम होने की वजह से इसलिए नहीं रहे कि हमारे पास सिपाही कम थे या सेना कम थी या हमारे पास लड़ने वाले कम थे या हमारे देश के ऊपर हमला करने वालों की तादाद ज़्यादा थी। नहीं, ये बातें नहीं थी। केवल एक ही बात थी कि हमारा सामाजिक ढांचा इतना कमज़ोर था कि उसकी वजह से हम ज़्यादा होते हुए भी कमाने वालों से भी के बीते निकले और 2000 वर्ष तक गुलाम रहे। 2000 वर्ष तक कोई मुल्क गुलाम नहीं रहा है। जापान गुलाम हुआ, इटली गुलाम हुआ, जर्मनी गुलाम हुआ, कई को पिछले विश्व युद्धों में गुलाम होना पड़ा है, पर इतने लंबे समय तक 2000 वर्ष तक कौन गुलाम रहा है? कोई नहीं रहा है। तो क्या कारण था इसका? एक कारण था कि हमारी सामाजिक परिस्थितियाँ बड़ी कमज़ोर थी। सामाजिकता की दृष्टि से हम बड़े छिन्न भिन्न थे, अस्तित्व से। सामाजिक क्रांति होगी तो फिर ये सामाजिक क्रांति होगी। आप विश्वास रखिए, आप यकीन मानिए कि जिन कमज़ोरियों की वजह से हिंदुस्तान दुर्बल हुआ था वो सारी की सारी कमज़ोरियाँ दूर होकर के रहेंगी। हमारे यहाँ स्त्रियों को घूंघटों में पर्दों में बंद करके रखा जाता है। तो 70 करोड़ में से 35 करोड़ रह गए। 35 करोड़ तो ऐसे हैं जो एक तरीके से डिब्बे में चिड़िया जिस तरह बैठी रहती है, बकरी बाड़े में बंद बनी रहती है, ऐसी स्थिति है। ये क्रांति बदल जाएगी। स्त्रियां पुरुषों के कंधे से कंधा मिला के काम करेंगी और देश को उठाने में पूरा योगदान देंगी। ये क्रांति होगी हमारी सामाजिक क्रांति। और
छुआछूत ये वंश की वजह से बड़े आदमी होते हैं, नहीं वंश की वजह से बड़े आदमी नहीं होंगे, ये क्रांति होगी। और वेश की वजह से महात्मा बनेंगे, नहीं वेश की वजह से महात्मा नहीं बनेंगे, इसकी वे क्रांति होगी। भिक्षा जो है व्यवसाय रहेगा, जैसे लोगों ने 60 करोड़ आदमियों ने व्यवसाय बना लिया है अपना, और रंगीन कपड़े पहन लेते हैं, क्या कह लेते हैं, कोई ना कोई पाखंड खड़ा कर लेते हैं और लोगों को ठगते रहते हैं, अपना पेट भरते रहते हैं, ये स्थितियाँ रहेंगी नहीं, इसमें क्रांति होगी, इसमें क्रांति होगी। हमारी जात वंश परंपरा में समानता आएगी, हमारी स्त्री और पुरुषों के बीच में समानता आएगी, हमारे देश में संत तो होंगे पर कोई यह आवश्यक नहीं है कि वो पेशे बन होंगे, भिक्षा व्यवसाय करें तभी हो, जैसे आप में से भी संत हो सकते हैं, आप में से भी महात्मा हो सकते हैं। और कौन सी क्रांतियाँ होंगी, और शिक्षा में क्रांतियाँ होंगी, शिक्षा इस तरह की आएगी अगले दिनों, इसमें अध्यापक भी पढ़ाएंगे, माँ बाप भी पढ़ाएंगे, मिलजुल करके सब पढ़ाएंगे, और पढ़ा करके कि अपने बच्चों को और नई पीढ़ियों को इतनी शानदार बनाएंगे, ऐसी सुंदर बनाएंगे, ऐसी उत्तम बनाएंगे, शिक्षा में भी क्रांति होगी। और किसमें क्रांति होगी, साहित्य में भी क्रांति होगी। साहित्य जो आप किसी दुकानदार की दुकान पर जाइए तो आपको दिखाई पड़ेगा गंदा साहित्य भरा हुआ पड़ा है, भ्रम फैलाने वाला साहित्य भरा पड़ा है, लोगों को गिराने वाला साहित्य भरा हुआ पड़ा है। ऐसा साहित्य नहीं है जो आदमी को ऊंचा उठाता हो और आदमी में प्राण संवेदनाएँ भर देता हो, ऐसा साहित्य भी नहीं है। साहित्य भी क्रांति होगी, साहित्य में भी क्रांति होगी। और फिल्म जिसको लाखों आदमी करोड़ों आदमी देखते हैं, इसमें भी क्रांति होगी। अखबार जो निकल रहे हैं इनमें भी क्रांति होगी। अखबारों में आजकल राजनीतिक घटनाएं रहती हैं और यहाँ की ये हुआ है, यहाँ बलात्कार हो गया, या व्यभिचार हो गया, या फलाना काम हो गया, या ये हो गया, ये बातें रहती हैं। लेकिन ये बातें रहती नहीं हैं कि समाज का नया निर्माण करने के लिए कौन कौन व्यक्ति काम में लगे हुए हैं। फिल्मों में क्रांति होगी, साहित्य में क्रांति होगी, शिक्षा में क्रांति होगी, और मजदूरी में भी क्रांति होगी, बेरोजगारी में भी क्रांति होगी। आज तो बड़े बड़े मिल और बड़े बड़े उद्योग सारे का सारा पैसा अपनी जेब में रखे हुए हैं और लाखों आदमी करोड़ों आदमी बीमार पड़ रहे हैं। शिक्षा की भी, उसकी भी, उद्योग धंधों की भी ऐसी क्रांति होगी कि बड़े शहर कस्बों में बदल जाएंगे और गांव कस्बों में बदल जाएंगे, बीच की इकाई कस्बों के रूप में होगी। ये बातें हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी, आप यकीन रखिए। मैं कहता तो हूँ आपसे, जो बहकाता हूँ आपको, नहीं बहकाता नहीं, जो मुझे प्रत्यक्ष आँख से दिखाई पड़ रहा है केवल उसी का जिक्र कर रहा हूँ आपसे, और कोई बात नहीं कह रहा हूँ। तो ये गायत्री जयंती के दिन ये 20वीं शताब्दी के अंत तक का ब्यौरा बता रहा हूँ मैं आपको, 21वीं सदी आएगी उससे पहले ही ये काम पूरे हो जाएंगे। इस काम के लिए किसकी ज़रूरत है, नेताओं की आवश्यकता है, नेताओं की आवश्यकता है। कितने नेता आपको चाहिए, 1 लाख नेता हमको चाहिए। और वो कितने आदमियों की देखभाल करेंगे, वो 1000 आदमियों के पीछे नहीं, 1 लाख आदमियों के पीछे सवार करेंगे, क्योंकि 100 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान की होगी ना, तो 1 लाख आदमी के हिसाब से कितने हुए, 1 आदमी के पीछे ये 1 लाख से भी ज़्यादा हुए, 1 लाख आदमियों के करीब का 1 आदमी को नियंत्रण तो करना ही चाहिए, कम से कम 3 जनता का तो एक नेता होना ही चाहिए। आप लोगों में से प्रत्येक आदमी को हमारा मन है कि नेता बनाएं जो कि समाज को गाइडेंस कर सके। हमारा तो एक नेता है जिसकी आज्ञा में, जिसके आदेश में हम चलते हैं। और आप भी शायद हो, क्योंकि जो आपको बताया गया है, जो आपको काम सौंपा गया है, वो ऐसा है कि आप करेंगे संभवतः। जब आप इस युद्ध में आए हुए हैं तो क्यों नहीं करेंगे। आपके जिम्मे एक काम बताया गया है, 1 लाख व्यक्तियों को हमको नए ढंग से शिक्षित करना है। पुराने ढंग से तो हमने किए होंगे, लाख क्या और ज़्यादा भी किए होंगे, 1 लाख से ज़्यादा को तो गुरुदीक्षा दी होगी हमने, लेकिन 1 लाख को तो अब ये जो है शिविर, हमारे शिविरों में 1 लाख को शिक्षित करना है हमको। इसीलिए
एक काम, पहला काम तो आपके जिम्मे सुपुर्द ये किया गया है कि आप जिन जिन आदमियों को जीवन समझें, प्राणवान समझें, जिनमें सामर्थ्य आप समझें, शक्ति समझें, जिसमें ये बात समझें कि इसके अंदर विचारणा भी है, भावना भी है, इस तरह के आदमियों में से ढूंढ ढूंढ करके यहाँ भेजते रहिए, ये शिविर बराबर चलेंगे, बंद हो जाएंगे नहीं, बंद नहीं हो सकते, तो आप नहीं नहीं रहेंगे। अरे आप बेकार बात कहते हैं, हम नहीं रहेंगे। नहीं, कैसे नहीं रहेंगे? 20 सम्मत 2000 तक हमको एक शरीर से रहना है या 5 शरीरों से रहना है, ये हमारी इच्छा के ऊपर है कि हम एक शरीर से काम संभालते रहेंगे तो हम अकेले इस शरीर में बने रहेंगे, और जिस दिन हमको ये मानना पड़ेगा कि काम कंट्रोल में नहीं है, नहीं आता है, उसी दिन इस शरीर को हम बदल देंगे और 5 शरीर से लेकर के हम शांतिकुंज को भी संभालेंगे, गायत्री तपोभूमि को भी संभालेंगे, जो हमारी 2400 शक्तिपीठ है उनको भी संभालेंगे, सारे हिंदुस्तान को संभालेंगे, विदेशों को संभालेंगे। भागते हैं हम कोई? भगोड़े हैं कोई? हार गए हैं हम क्या? कोई थक गए हैं हम? कोई बुढ़े हो गए हैं हम? कोई मरने जा रहे हैं क्या हम? कोई नहीं, हम नहीं जा रहे हैं। इसलिए आपका मार्गदर्शन हम करेंगे, आपका मार्गदर्शन हम करेंगे। जो आपके जिम्मे 5 काम सौंपे गए हैं, पंचमुखी गायत्री का आप ये आदेश मान लीजिए, 5 आज्ञाएँ मान लीजिए हमारी, 5 जो इस बसंत पंचमी पर हमको आदेश दिया है वो इसलिए दिया है कि हमारे साथ साथ जो है वो भी काम करें। हम जो काम करते हैं उसमें हमारे हाथ भी काम करते हैं, हमारे पैर भी काम करते हैं, हमारी आंखें भी काम करती हैं, हमारे सारे शरीर के अंग प्रत्यंग काम करते हैं, तभी तो काम होता है। अकेले हम काम करें तो हम तो प्राण हैं हमारे, और प्राण तो बेचारे कुछ कह भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, काम भी नहीं कर सकते, कुछ लिख भी नहीं सकते, लेकिन प्राणों का काम नहीं है, हमारे शरीर के जो अंग प्रत्यंग हैं उनका मिलकर के काम है। आप भी हमारे शरीर के अंग और प्रत्यंग हैं। एक काम सौंपा आपने कि यहाँ का जो शिविर है इसमें 1 लाख आदमी शिक्षित करने हैं हमको। आप जहाँ कहीं भी जाएँ वहाँ देखें कि जीवंत आदमी, विचारशील आदमी, प्राणवान आदमी, भावनाशील आदमी जो कोई भी हो, उनको ढूंढ ढूंढ करके यहाँ के शिविर में भेजें गायत्री जयंती के दिन। पहला निवेदन आप लोगों से यह है। दूसरा निवेदन आप लोगों से यह है कि विचार क्रांति अभियान को फैलाने के लिए, घर घर में अलग जगाने के लिए आपको झोला पुस्तकालय चलाना होगा। ज्ञान रथ चला सकते होते तो बहुत बड़ी बात होती, लेकिन चलिए खैर ज्ञान रथ आपसे नहीं चलता है तो नहीं सही, यह आपके झोले में पुस्तकालय होना चाहिए। और हमने जो साहित्य लिखा है, साहित्य नहीं लिखा है, हमने आग लिखी है। आग लिखी है वो ऐसी आग है कि जिस किसी ने उसको पढ़ा है, जिस किसी ने सुना है, जिस किसी ने देखा है, जिस किसी ने चखा है, जो कोई उनके संपर्क में आया है, उसमें से प्रत्येक आदमी के भीतर में एक नई स्फुरणा पैदा हुई है। ये हमारा झोला साहित्य पढ़ाइए, शिक्षितों को पढ़ाइए, बिना शिक्षितों को सुनाइए, शिक्षितों को पढ़ाइए, बिना शिक्षितों को सुनाइए। पहला पुस्तकालय जो आपको चलाना है, आपको ये काम करना है, और एक काम ये करना है कि आप जन्मदिन मनाइए, हर आदमी का जन्मदिन मनाइए, जो भी इस मिशन में काम करता है, जो भी हमारा कार्य करता है, जो भी प्रज्ञा परिजन है, उसमें से कोई भी आदमी ऐसा नहीं बचे जिसको क्या आप जन्मदिन नहीं मनाते हों। जन्मदिन उसके मनने चाहिए ताकि उसको ये मालूम पड़े कि हमारा जीवन क्या है और क्यों है, और ताकि उसको ये मालूम पड़े कि हमको आखिर करना क्या है, ताकि उसको ये मालूम पड़े कि आखिर क्या होना अगले दिनों। जन्मदिन के माध्यम से ये जो ज्ञान गोष्ठी होंगी और घर घर में यज्ञ होगा, उससे मालूम पड़ेगा कि हमारा जीवन यज्ञमय होना चाहिए, हमारा जीवन यज्ञ से भरा हुआ होना चाहिए, हम यज्ञमय जीवन जिए, ये बात हम में से हर एक आदमी को मालूम पड़नी चाहिए। इसीलिए 1 लाख कुंड का यज्ञ इसी रूप में हमने करने का किया है। वैसे चाहते तो 1 लाख कुंड का एक जगह भी कर सकते थे, पर वैसा किया नहीं है। 1000 कुंड कर लिया तो भी हमको मालूम है कि कितनी बड़ी व्यवस्था बनानी पड़ती है, कितना बड़ा काम करना पड़ता है। 1 लाख कुंड का हर एक जगह करें तो अगर हमको पहले ही 7 मील लंबी 7 मील चौड़ी ज़मीन का इंतजाम करना पड़ा था, अब तो 1 लाख कुंड का करने में तो मेरे ख्याल से 100 मील लंबी या 100 मील चौड़ी ज़मीन का इंतजाम करना पड़ेगा, ऐसी कहाँ मिल पाती है। इसीलिए 1 लाख कुंड का हवन जो सूक्ष्म वातावरण को का परिशोधन करने के लिए नितांत आवश्यक है, वो हमने 1 लाख कार्यकर्ताओं के घरों में, आंगनों में कराने का निश्चय किया है। आप उसके लिए तैयार होइए, 1 लाख आदमियों के जन्मदिन मनने ही चाहिए, 1 लाख झोला पुस्तकालय चलने चाहिए। आप लोग जो सुन रहे हैं उससे कोई भी आदमी ऐसा ना हो कि जो झोला पुस्तकालय चलाता ना हो, हमारा साहित्य इसके पास ना हो,
युग परिवर्तन का कि पुस्तकें जिसके पास ना हो, फोल्डर जिसके पास ना हो, ऐसा कोई भी नहीं बचना चाहिए। और शिक्षितों को पढ़ाना और अशिक्षितों को सुनाना, तीन काम हो गए। एक काम वृक्षारोपण का हमने सौंपा है। बड़ा काम तो ये था, ज़्यादा शानदार तो काम ये होता कि 5 अशोक के पेड़ लगा करके आप एक देवता बना देते। देवता जो बनाना है, अब जो आज का देवता है, वृक्ष होना चाहिए, क्योंकि वृक्ष हमारे देश में से कम हो गए। यज्ञ जो वायु का पर्यावरण का संशोधन करता है, वही संशोधन करता है वृक्ष। और वृक्षों में अशोक क्यों लगाया? अशोक इसीलिए बनाया कि अशोक वाटिका के नीचे सीता रही थी, उनका शोक जो था वो दूर हो गया। शोक दूर करने का भी गुण है, महिलाओं का की बीमारियों का दूर करने का भी गुण है। इसके लिए कहा है, पर अगर आप ये न कर सकते हो तो अपने घर में तुलसी का थांवला तो लगा लीजिए। कोई भी व्यक्ति आप में ऐसा ना हो कि जो तुलसी का थांवला स्थापित न किया हो। तुलसी में तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए तो ज़मीन की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए तो देखभाल और रखवाले की ज़रूरत नहीं है। अब तुलसी का पौधा हर घर में लगाइए। और आप में से प्रत्येक आदमी ऐसा होना चाहिए जिसको कि 20 पैसे रोज और एक मुट्ठी अनाज निकालने में संकोच ना हो, इतना तो दान आपको करना चाहिए। ज्ञानघट और धर्मघट की स्थापना इसलिए आवश्यक है कि आगे आपको बहुत से काम करने पड़ेंगे, उसमें साधनों की भी ज़रूरत पड़ेगी। समय तो आपका चाहिए ही, समय दान की तो हमको आवश्यकता है ही, पर केवल समय दान से ही सारा काम नहीं चल जाएगा। समय के साथ साथ में साधन भी तो चाहिए। आपको एक लाउड स्पीकर भी तो चाहिए, आपको एक टैप रिकॉर्डर भी तो चाहिए, इसमें कि जो बात हम कहें वो आप लोगों के घरों में सुना सकें। गुरुजी ने ये कहा था और ये संदेश भेजा है, इसको आप सुन लीजिए। आपको एक टैप रिकॉर्डर भी तो चाहिए, आपको एक साइड प्रोजेक्टर भी तो चाहिए, और आपको यज्ञशाला और संगीत का माध्यम भी तो चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें, संगीत का माध्यम, संगीत घर घर में सुनाया जाना है, क्योंकि अब हमने अपनी मिशन का व्याख्यानों पर से हटा करके संगीत परक बना दिया है। अब संगीत ने, नारद ने भी संगीत से ही सारे देश को जगाया था, और शंकर जी ने भी डमरू बजा करके ही चेतना पैदा की थी। श्री कृष्ण भगवान की भी बंसी बजती रही थी, और सरस्वती की वीणा भी बजी थी। हमने भी संगीत में अपना कार्यक्रम बना दिया है। अभी हमारी जो गाड़ियाँ जाएंगी, इस बार जो गाड़ियाँ भेजेंगे, उस सब में संगीत के 5 प्रतीक माने जाएंगे। 5 क्यों भेजेंगे? 5 इसलिए भेजेंगे, 5 हमारे संकल्प हैं। वो 5 संकल्प, 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो आप जान लीजिए कि गुरु जी के 5 संकल्प बैठे हुए हैं संगीत को फैलाने के लिए, संगीत का विस्तार करने के लिए, संगीत के माध्यम से आपकी भावनाएँ जगाने के लिए। ये गाड़ियों का भेजने का निश्चय किया है। गाड़ियाँ भी आप अपने यहाँ कोशिश कीजिए कि आप अपने यहाँ गाड़ियाँ बुलाने का प्रयत्न करें। और ये काम सौंपा गया है कि भी आदमी को जो आप में से आए बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, 10 गांव तो संभालने चाहिए। आप बड़े शहर के रहने वाले हैं तो 10 मोहल्ले संभालिए। 10 मोहल्ले या 10 गांव का जमींदार हम आपको बना रहे हैं, और आपको राजकुमार बना रहे हैं। आज से आप हमारे राजकुमार हैं, आपसे आप 10 गांवों के जमींदार हैं। कोई गांव आपका ऐसा ना हो जिसमें कि आदर्श वाक्यों से दीवारें लिखी हुई ना हो। तो ये सारे के सारे काम जो हमने छोटी पुस्तिका में लिख करके दिए हैं, आपको करने हैं। आपको ये नहीं कहना है कि हम नहीं करेंगे। कीजिए, आप समय निकालिए, साधन निकालिए, समय निकालिए, साधन निकालिए, समय निकालिए, साधन निकालिए। 10 पैसे रोज, 20 पैसे रोज, जितना आप निकाल सकते हैं उन्हें निकालिए। एक मुट्ठी अनाज, आधी मुट्ठी अनाज, जो भी आप निकाल सकते हो निकालिए, क्योंकि ये सब सामानों को इकट्ठा करना पड़ेगा, व्यक्ति भी इकट्ठे करने पड़ेंगे, जाने आने का मार्ग भी खर्च होगा। इस तरीके से अनेक काम ऐसे आएंगे जो आपसे खर्च की मांग करेंगे। कौन देगा आपको? यहाँ तो ठगों की दुनिया है। ठग तो लाखों के रुपया इकट्ठा कर सकते हैं, करोड़ों इकट्ठा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं पाखंड के नाम पर, तो चाहे जितना धन इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन सही काम के लिए, सही उद्देश्य के लिए देने वाला कौन है? आपको ही समय देना पड़ेगा। और आपको ही समय देने के सिवाय ये साधनों को भी इकट्ठा करना पड़ेगा। साधन इकट्ठा कीजिए, आप यहाँ से एक थैली ले जाइए जिसमें 10 पैसे या 20 पैसे जो भी आप डाल सकते हो रोज़ डालते रहिए। आप एक थैली यहाँ से ले जाइए जिसमें रोज़ाना एक मुट्ठी अनाज डालते रहिए। ये एक मुट्ठी अनाज वहीं खर्च होगा
जो आपको दस गांव दिए हैं, दीवारों पर आदर्श वाक्य लिखेंगे तो आपको रंग की जरूरत पड़ेगी कि नहीं नहीं पड़ेगी। जो आपको लाड स्पीकर चलाना है या बिजली नहीं पहुंची है वहाँ वहाँ आपको बैटरी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। बहुत से काम हैं जहाँ आप जन्मदिन मनाएंगे यज्ञ करना पड़ेगा वहाँ ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। संगीत के साधन और ये मंगाएंगे आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो आप ये पैसा कहाँ से आएगा फिर? आपको ही इकट्ठा करना है, आपको ही समय देना है, आपको ही साधन देने हैं, आपको ही समय देना है, आपको ही साधन देने हैं। समय और साधन दोनों ही चीज़ें आप लगातार दें तो वो हमारी पाँच का कार्यक्रम अभी अभी हमने आपको बताए थे कि आप झोला पुस्तकालय चलाइए, उसके लिए भी तो पैसा खर्च करना पड़ेगा। किताबें मंगानी पड़ेगी, नहीं मंगानी पड़ेगी, झोला आपको कंधे पर डालना पड़ेगा कि नहीं, झोला भी तो फटेगा, फिर नया झोला खरीदना पड़ेगा। इस तरीके से जन्मदिन मनाने के लिए हवन भी तो करना पड़ेगा। संगीत आप घर घर में जा कर के चौराहे चौराहे पर सुनाएंगे तो संगीत के जो साधन ढपली और क्या क्या जो आपने लिए हैं ये खराब होंगे कि नहीं होंगे? कि ये कोई हज़ार वर्ष तक काम देंगे क्या? वर्ष दो वर्ष में ख़राब हो जाएंगे, फिर आपको नए लेने पड़ेंगे। तो इसीलिए आप पैसे का भी इंतजाम कीजिए, समय का भी त्याग कीजिए, दोनों काम कीजिए, अपने घर का भी काम चलाइए। नहीं हमारे घर का काम नुकसान हो जाएगा, भाई साहब हम यकीन दिलाते हैं कोई नुकसान नहीं होगा आपको। पांच संकल्प जो हमने लिए हैं उसको पूरा करके पंचमुखी गायत्री की आप साधना कर सकेंगे। पंचकोश हमारे हैं, पंच देवता हमारे हैं, पांच ही हमारे संकल्प हैं और वो आपके सामने हमने प्रस्तुत किए हैं। विधि माता गायत्री का जन्म का दिन आज से अच्छा कोई दिन नहीं हो सकता, इससे बड़ा त्यौहार कोई नहीं है। आप आज संकल्प लेकर के जाएं, विश्वास देकर के जाएं, ये हमको को यकीन दिला के जाएं कि हम यहाँ से जाएंगे तो अपने घरेलू कामों में नहीं लगे रहेंगे, लेकिन नेतृत्व करने का, 1 लाख आदमियों को संभालने का जो काम सौंपा है, अब न मालूम हम आपको कहाँ भेज दें, संभव है आपको राजनीति में भेज दें, संभव है आपको MP MLA बना दें, संभव है आपको समाज का काम सौंप दें।